देवभूमि उत्तराखंड से चलकर पश्चिम बंगाल तक जाने वाली हमारी भागीरथी, हमारी पतित पावनी आज बुरी तरह से प्रदूषित हो गई है। लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली गंगा, जो भगवान शंकर की जटाओं से चलकर कलकल करते हुए लोगों को तारने के लिए पृथ्वी लोक पर आई थी, आज बुरी तरह से प्रदूषित होकर कराह रही है, दम तोड़ रही है। आज हम एक लोक सेवक, सेवानिवृत्त लोक सेवक श्री शुभ नाम आपका राधेकृष्ण दुबे, श्री राधेकृष्ण दुबे साहब के साथ हैं, जो वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। गंगा को बचाने के लिए इन्होंने एक अभियान शुरू किया है, जिस अभियान का नाम है गंगा हरितिमा अभियान, संकल्प वृक्षारोपण। गंगा हरितिमा संकल्प वृक्षारोपण, वृक्षाटन भी है, वृक्षाटन अभियान, वृक्षाटन अभियान, भीख मांग रहे हैं गंगा को बचाने के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 12 अप्रैल से आप बलिया से शुरू किए हैं, उस स्थान से इसकी शुरुआत हुई है जहाँ गंगा और सरयू दोनों का संगम है, जेपी नगर से। दुबे जी, सब कैसे मन में आपके आया कि गंगा को बचाने के लिए निकलना चाहिए? सेवानिवृत्ति के बाद लोग रेस्ट करते हैं, जा करके घर मकान बना करके लोग आराम करते हैं, ऐसा क्या मन में आया? मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ पूरी हो चुकी हैं और मैं शांतकुंज गया हुआ था, शांतकुंज जाता रहता हूँ, तो वहाँ हरिद्वार में तो वहाँ की गुरु जी की पुत्री शैल बालाजी ने हमसे कहा कि भाई साहब, भगवान के कार्य के लिए कुछ समय दीजिए। यह भाव एक मन के अंदर संकल्प गूंज रहा था, साथ में दूसरी तरफ एक प्रबल वैराग्य था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए अब पूरी ऊर्जा लगा दो, तो मैं एकांतिक कुछ साधना कर रहा था और उसमें लोगों ने कहा कि वैराग्य सिद्ध करने के लिए नर्मदा की परिक्रमा सब सर्वश्रेष्ठ होती है, वानप्रस्थ सिद्ध करने के लिए, तो उसके बाद संन्यास में प्रवेश करना आसान हो जाता है। तो वानप्रस्थ की परिक्रमा की योजना बना रहा था तो बाधक बना कि मेरे पिताजी 90 साल के हैं, जो मेरे ऊपर आश्रित हैं। लोगों ने कहा कि पिताजी के रहते आपको ये संकल्प नहीं लेना चाहिए, तो मैं तड़फड़ा रहा था कि नदी की परिक्रमा करते हुए अपने वानप्रस्थ को सिद्ध करूँ। इसी क्रम में ये गंगा का एक कार्य मुझे प्रस्ताव मिला कि गंगा नदी का वृक्षारोपण करने सरकार जा रही है, इसमें अगर आप चलते हैं तो आपको जल सहयोग भी मिलेगा। इसी भावना से नदी के किनारे की यात्रा 22 अप्रैल से शुरू करें। चलिए, गंगा बचाने के उत्कृष्ट भावना से ओतप्रोत होकर आप बलिया से चले हैं और सैकड़ों गोष्ठियाँ आपने अभी तक किया है, हजारों लोगों को संकल्प दिलवाया है, जैसे क्या देखा है आपने? जगह जगह नाले मिलते हैं गंगा में और लोगों की आदतें भी खराब हैं, जैसे किस प्रकार का अनुभव आपने किया है और क्या आप कह रहे हैं सरकारों से, क्या अपेक्षा कर रहे हैं लोगों से? क्या मैंने देखा कि गंगा नदी के किनारे के लोग बहुत ही आध्यात्मिक हैं, बहुत ही पवित्र हैं। गंगा मैया की विशेष कृपा है कि गंगा के नज़दीक रहने वाले उनके अंदर आध्यात्मिक भाव बहुत जाते हैं और गंगा मैया के लिए समर्पण भी है। बस हमारा ये धर्म का विकृत स्वरूप जो है उनका कोई उनको बताने वाला नहीं है। और मैं जब जिन गाँव में गया और मैंने बताया गंगा मैया कष्ट से करा रही है और अगर आप इसको बंद कर देंगे तो गंगा मैया का बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, बिल्कुल देखा कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धर्म इतना बढ़िया है, ये तो कोई पहले बताने वाला नहीं आया, सहजता से लोग संकल्प ले। और मुझे आश्चर्य हुआ कि अप्रत्याशित तौर पर संकल्प मिलते चले गए कि अरे अब आइंदा हम कभी गंगा मैया को गंदा नहीं करेंगे। यह मुझे उम्मीद है कि छोटे छोटे संकल्प मिलकर के करोड़ संकल्प होंगे। सर, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बलिया से लेकर के यहाँ तक और शुरुआत में प्रमुख सचिव वन भी इसमें शामिल हो गए थे, उन्हें लगा कि हमारा जो अभियान है उसे कोई व्यक्ति मूर्त रूप दे रहा है, बगैर किसी लाभ की बात सोचेंगे, तो वह लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। इसमें क्या आप शासन को यह चीज़ लिखेंगे कि गंगा के लिए सबसे घातक पॉलीथीन है? आपने देखा भी होगा कई तो पॉलीथीन गंगा में जमा है, एक अगर निकालेंगे दूसरा आपको मिलेगा, दूसरा, तीसरा, अब तो मछलियों की आंत में भी पॉलीथीन पहुंच गया है। इस पर आपका क्या कहना, कैसा लगता है? इसमें एक अच्छी बात हो रही है कि शीर्ष तंत्र के लोग हमारे साथ यात्रा में घूम रहे हैं और खुद जिन बातों को हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है वो खुद बोध करके जा रहे हैं। अभी बढ़िया मेरे इनका कुमार जी प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश में आई थी, सुबह 6 बजे शाम तक मेरे साथ आ रही और उनकी आँख खुल गई जब उन्होंने गाँव का दृश्य देखा, घर घर पैदल घूमा और नदी के किनारे की बातों का समझा, तो मुझे उम्मीद है कि वो हर चीज़ों को। चलिए सर, लोग तो मान जाएंगे, लोग अपनी बुरी आदतें भी खत्म कर देंगे, पॉलीथीन में फूल वाला नहीं ले आएंगे, उसमें नहीं फेंकेंगे, गड्ढा खोदेंगे, संभव है। सरकार कैसे माने, वो अक्का पॉलीथीन पर बैन है
उसके बाद भी यह शासनादेश है कि गंगा की मध्य धारा से 2 किलोमीटर की दूरी में न कोई पॉलीथीन बिकेगा और न प्रयोग किया जाएगा। वह कब मानेंगे, वह नालों को कब बंद करेंगे? यदि आपके अनुरोध को, आपके निवेदन को और आपके इस सत्याग्रह को, आपकी पदयात्रा और या जो संकल्प दिलाने के बाद भी वह नहीं मानते हैं तो क्या आप कुछ और करेंगे? देखिए, मैं इसको सत्याग्रह के रूप में नहीं ले रहा हूँ, मैं मेरी आध्यात्मिक साधना है और मैं लोगों से प्रार्थना कर सकता हूँ, गाँव के लोगों से, शासन से इसके बारे में हमारी कुछ कहने की भावना है। मेरी ऐसी शासन सुनेगा कैसे? सभी कहते थे, गांधी जी कहते थे, विनोबा कहते थे, महर्षि अरविंद की बात किया, सभी बिना 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 चिल्लाए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है बच्चे को। तो क्या एक साधक आने वाले समय में ऐसा भी करेगा कि भैया यह बात हमारी मानिए, हमने यह देखा है और यह करना चाहिए? मैंने अनुरोध किया, अब प्रतिरोध भी कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अधिकारी लोग इतने संवेदनशील हैं, उन लोगों को बातें बोध करा दिया जाए तो बहुत कुछ करने लग जाएंगे। जिन अधिकारियों को मैं